सेहतमंद होंगे। अबे शेराजी निकल जाओ भाई, निकल जाओ। निकल नहीं रहा यार, ये बच्चा मेरे अंदर घुस गया, मेरा खकला रहा हूँ मैं। अभी अब हर चीज़ का आप कंटेंट नहीं बना सकते। वो बिरयानी, मैं सोच रही बिरयानी लाने का, बट मैं थोड़ा सा नहीं जाती हूँ, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम ये करते हैं। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार कल व्लॉग नहीं आया था, बट मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि लाइक मैं व्लॉग नहीं पोस्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मसला ये है कि माई अम्मा वॉज नॉट ओके, सो आई जस्ट गो टू चेक ऑन हर, क्योंकि मेरे अम्मा ने काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी, तो इस वजह से आई थॉट मैं थोड़ा सा चेक ऑन कर लूँ कि वो ठीक है या नहीं। तो इस वजह से कल का व्लॉग तो हमने नहीं डाला था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन आज के व्लॉग में ऐसा हुआ कि घर में कोई भी नहीं है, तो मैंने बोला कि मतलब कोई भी नहीं है, समझ रहे हो, आहत भी नहीं है और अलैन भी नहीं है। अलैन अपने दोस्तों से रफ्तार पे गई थी, आहत काम के ऊपर है, एंड आई एम अलोन एट होम, दैट इज़ सो वियर्ड ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा कर लें कि थोड़ा सा तुम लोगों को भी दिखाती हूँ कि हाउ आई एम डूइंग। तो मैंने सोचा है कि अभी तक मैंने अफ्तार ही नहीं किया है, क्योंकि मसला ये हुआ था कि मैंने सोचा कि मैं अफ्तार ही बना लूँ, लेकिन मुर्तसिम जो है ना बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसको ना नींद आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था, उसको गर्मी पता नहीं क्यों इतनी लग रही है। दैन फिर मैंने रूम कूलर खोला, उसको लिटाया, तो इस वजह से वो पूरी अफ्तारी उसमें बर्बाद हो गई। मैंने अफ्तारी के लिए जो समोसे मंगाए थे वो बिल्कुल ठंडे हो गए, मैंने जितने 4 समोसे मंगाए थे और थोड़ा सा और सामान मंगाया था, लेकिन मुझसे खाया ही नहीं गया। तो देन अब मैंने वो समोसे, और समोसे में मिर्ची भी इतनी थी, मेरे मुंह में ना छाले, उन छालों की वजह से आई कांट लाइक, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही मिर्चों वाला, इतना छाले रंग का। तुम लोगों को छाले का कोई वो पता है ना, मैंने वो एक ट्यूब आती है, मैंने वो भी यूज़ कर ली, मैंने एक टेबलेट आती है वो भी यूज़ कर ली जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, बट उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो मैं अभी सोच रही हूँ जो हम शौक से खाते हैं वो बिरयानी, मैं सोच रही हूँ बिरयानी लाने का, बट मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हूँ, तो हम कंफ्यूज नहीं होते, हम बिरयानी जाके ले आते हैं। उधर मैं इसलिए देख रही हूँ, मेरे को लगा वॉशरूम की लाइट खुली, लेकिन वो बंद है ना। ना पहले कुछ अफ्तारी में खा पी लेते हैं, इससे पहले मुर्तसिम उठ जाए, लेकिन हमें जाना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह, मैंने बिरयानी वाले को कॉल की, उसने बोला बज्जी राइडर नहीं है तो आपको लेने आना पड़ेगा, अब हमें 4th फ्लोर से मुर्तसिम को ले कर जाना पड़ेगा, फिर उसको ले कर आना पड़ेगा। खैर अल्लाह पाक ने अब औलाद दी है तो ये सब तो देखना पड़ेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो यार। और फिर से आई एम सॉरी, मेरे लिए सॉरी, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, आइंदा से नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ पे नेट भी नहीं था, मेरे पास व्लॉग तो था एक एक्स्ट्रा, लेकिन मेरे पास नेट नहीं था, मैं एडिट नहीं कर पाई। मैंने यही सोचा कि अगर मैं वहाँ पर ऐसा अम्मा बोलेंगी मुझे टाइम देना ही अपने व्लॉग को, तो इसलिए आज आई वॉज जस्ट लाइक जस्ट लेट इट बी। अब हर चीज़ को आप कॉन्टेंट नहीं बना सकते, तो मैंने बोला अम्मा इज़ इम्पॉर्टेंट मोर देन व्लॉग, तो जस्ट छोड़ देते हैं। और आज मुझे सख्ती से कहा था मोबाइल नहीं उठाना, अम्मा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो मैंने ठीक है। तो हमें रात को इतना लेट आई थी, क्योंकि आहत लेके आए तो बहुत लेट हो गया था। अभी हम खाना वाना खा लेते हैं, अफ्तारी कर लेते हैं, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और भाई एक लड़की ने कहा था कि मुझे ना कपड़ों के प्राइजेस भी बता दो, तो मैं वो भी बता दूँगी, ठीक है, लेकिन जगह नहीं बता सकती, बिकॉज उन्होंने मुझे ऑलरेडी कह दिया था कि आप इन पर ब्लर कर दीजिएगा, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा वो नहीं दिखाया था। खैर तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा मैंने कहाँ से लिए, तो चलो चलते हैं। मुर्तसिम को लेकर गई थी नीचे, उसको वापस लेके आई हूँ। और तुम लोगों को पता है आज की नई ताज़ा खबर, मुर्तसिम वापस सो गया घर आके, सो रहा है वो अभी भी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ठीक है। और मेरा बच्चा इतना क्यूट बेबी है, उसको जब तक पता था कि रोज़ा नहीं खुल रहा तो वो जाग रहा था, रोज़ा खुलने के आधे घंटे बाद ही वो सो गया। चला अपने बाप पे गया। खैर मैं बिरयानी ले आई हूँ, थोड़ा सा खाती पीती हूँ, क्योंकि अब डेट आई एम ऐसे सीन होगी कि मैं मर जाऊँगी, तो खाना पीना करते फिर बताते हैं। मैं तो ना, मैं तुम लोगों को सच बात बताऊँ, मैं सहज वही करने के बाद ना सो गई थी, क्योंकि आहत काम पे गया था तो मैं सो गई थी, तो अभी ना मेरे पास आहत की कॉल आई, मैं उसको कहते ना माननी पड़ी तुमने, रोज़ा क्यों रखती हो फिर, मैंने उसको बोला, मैंने बोला सॉरी यार बस बस उठ रही हूँ। तो अभी ना 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, नहीं हाँ शायद एक टाइम क्यों, हाँ टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट जो है ना 4 बज रहे हैं,
तो ना हद ने मुझे बोला तुम नहीं मानोगी ना तुम उठो चलो नमाज पढ़ो। मैं सॉरी ना पढ़ रही हूँ। तो मैंने उठी, मैंने नमाज वमाज पढ़ी, मैंने उसको कॉल करी, फिर मैंने बोला आपने नमाज़ पढ़ ली? तो कहता अच्छा अफ्तारी में क्या बनाओगी? मैं देखती हूँ। तो कहता कुछ नहीं बनाना। मैं क्यों? तो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला तुम तो काम पे हो ना? तो कहता नहीं कोई मसला नहीं है, अभी ना अफ्तारी के टाइम पे ना थोड़ा सा काम स्लो है और वैसे भी स्लो ही होता है, तो मैं आ रहा हूँ और जो है ना तुम्हारे साथ अफ्तारी करूँगा, फिर थोड़ा तुम्हारे साथ बैठूँगा बैठूँगा, फिर मैं वापस घर ना वहाँ पे चला जाऊँगा काम पे ना 9-10 बजे तक। तो मैंने बोला अच्छा सही है। मुझे मतलब इस बात को बताने का मतलब ये मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि वो आ रहा है। तो मैंने उसको कल रो के बोला था कि हद इस साल की अफ्तारियाँ तो मेरी बहुत अजीब ही जा रही हैं। पिछले साल भी अहद नहीं था, लेकिन ये है कि मुर्तसिम नहीं था। आई कैन गो एवरीवेयर ना, मैं कहीं भी चली जाती थी, अम्मी के घर चली गई, कभी दादू से मिलने चली गई, कभी जो है ना नानों के घर चली गई, लेकिन इस साल मैं कहीं भी नहीं गई। मैं बस अपनी अम्मी के घर गई हूँ एक दो बार। इस साल तो मैं अपनी कज़नों के साथ भी नहीं कहीं गई, ठीक है ना। मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था, वैसे मैं जाती भी नहीं हूँ तो मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी कज़नों वज़नों के साथ भी नहीं जाती कहीं भी, आई एम सच इनवर्ट पर्सन, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम ये करते हैं, मैं नमाज वमाज पढ़ ली, बट ना मैं स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। मेरा स्किन केयर ना तुम लोगों को दिखाती हूँ, लड़की ने कहा था ना अपने प्रॉपर स्किन केयर पर वीडियो बनाओ। ये लेन की हरकतें देखो, इसने तार ऐसे रखा है कि मैं गिरूँ और मैं मर जाऊँ। तुम लोगों को ना बताती हूँ एक सेकेंड। सिर्फ वाइटामिन सी यूज़ किया करो अपने चेहरे पर, सिर्फ वाइटामिन सी। ये देखो वाइटामिन सी लगा के ना जस्ट, तो ये मेरे जो बाल है ना बस अभी जितनी देर में सूखेगा ना उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लो, तो बस इतना ही। तो अभी हम हाथ का वेट करते हैं, वो आता है तो फिर देखते हैं, चेंज वेंज भी कर लूँ। तो गाइस अफ्तारी के बाद मैं नहा के सहरी वहरी करके तो सो गई, ठीक है। फिर मुझे आहत की कॉल आई कि ना आज, चूँकि इतने दिनों से आहत देख रहा था कि मैं रोज़ अफ्तारी में रो ही रही हूँ, मेरा रोना धोना ख़त्म नहीं होता है। तो आज ने मुझे कॉल करके बोला कि जो है ना सुनो जान, तुम जो है ना कुछ मत बनाना, मैं आ रहा हूँ, मेरा पता नहीं शायद कहीं लेके जा रहा होगा। तो कहता आज मैं अफ्तारी ना साथ में कर लूँगा ना, ओके मतलब थोड़ा सा शरबत बना लो और बाकी सामान मैं लेके आ रहा हूँ। तो अभी हाथ फ्रेश होने गया है ना, वजू करने गया, तो ये मैंने शरबत तो बना लिया था जो कि पता नहीं कैसा बना है, बट अच्छा ही बना होगा। और ये सब हाथ ले आया था और दैट इज़ नॉट आर, ठीक है गाइस, ये हमारी नहीं है, मेरी बहन की है। तो अभी हाथ फ्रेश होके आज आ गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैफ हालुक या शेख हबीब, मरहबा सिकुम, अस्सलाम। नाइस। यार गाइस तो सीन कुछ ऐसा है, हम लोग अफ्तारी करने लगे हैं, तकरीबन कुछ 2-3 मिनट रह गए, टाइम लोग क्या हो रहा है? हाँ अभी रहते हैं तकरीबन 2-3 मिनट। बस ठीक है, फिर अफ्तारी की तैयारी करो। तैयारी तो हुई है, तुम खाते ही नहीं हो कुछ। मैंने इसीलिए तुम्हें मना कर दिया, पता है तुम थकी हुई थी, सारा सामान बाहर से। मैं वैसे आपस की बात है, ये देखो हैप्पी एनिवर्सरी अभी तक लगा हुआ है। अभी छोड़ो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग छोड़ो, ब्लॉग में दिखा दो भले सारा कुछ, लेकिन बस बाकी भी जो है। उस दिन इतना कुछ बनाया था तुमने, कब खाया वो चीज बॉल? अभी तक रखे हैं मैं देखो। तो गाइस अभी हम लोग ना ये कर लेते हैं, मतलब अफ्तारी वगैरह कर लेते हैं, बाकी की बातें करेंगे। ओके मुझे तो लगता है मगे ना सारी दुआ ये मांग लेता, सब कुछ ये मांग लेता, सब कुछ। ऐसे चुप चुप करके, चुप करके लो जो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो चुकी है, अभी चलते हैं नमाज की तरफ, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत और घर की जो है वो करते हैं। आज मैं थोड़ा फारिग हो गया था, जल्दी फारिग हो गया था काम से, काम थोड़ा सा डाउन था इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। मैंने बोला आज साथ में अफ्तारी करते हैं, आज का दिन जो है अपनी बेगम को देते हैं, तो आज के दिन मैंने अपनी बेगम को दिया। अब अफ्तारी कर ली, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़े से घर वर को देख के ना, घर वर की सेटिंग वेटिंग करके, सफाई वगैरह तो हो चुकी है माशाल्लाह घर की, मतलब हमारी जो मालकिन है, सफाई सुथराई का आजकल बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ।
कि उसको पता है मैं बिजी हूँ, ऐसे ऐसे मुझे खुद करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, तो खुद करना पड़ता है इसको। कैसे देख रही है, बस कर दो यार। माशाल्लाह से इसका छठा गिलास है शरबत का, अल्लाह नज़र ना लगाए इसको, पीती रहे खाती रहे ऐसी ठूसती रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, पियो जान पियो। और ये समोसा पूरा करो, समोसा पूरा करो। जब भी मैं इसके सामने होता ना कुछ खाती नहीं है, फिर मुझे पूरे दिन काम के टाइम पे भी टेंशन होती है कि यार ये कुछ खाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है, फिर मुर्तसिम का क्या होगा। ऐसे नहीं करो बोलू, खाना मैंने टाइम से खाया करो। चलो गाइस निकलते हैं अभी मगरिब की राह में, मगरिब में के जो है मैं भी शेराजी बन गया हूँ यार, शेराजी भी ऐसी बात करता शेराजी जैसा तोतला हो गया हूँ मैं भी। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है यार, नो डाउट बहुत अच्छा बच्चा है। तो चलो अरे बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। इसका अब्बा बोलता है कि मैंने एक दिन ऐसी, मेरे बच्चों ने उससे मोबाइल मांगा, मैंने इनको दे दिया, फिर एक दो दिन के बाद मैंने अपनी ऐसी गैलरी चेक की तो इतने सारे लोगों ने क्लिप बनाए हुए थे, मैंने देखा मुझे खुद इतनी हंसी आई, फिर मैंने ऐसी सोचा चलो यार इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद फिर मैंने टिकटॉक पे डाली, अगले दिन देखा कि 2.5 लाख व्यूज़ आए हुए हैं एक वीडियो के ऊपर, इतने सारे कमेंट आए हुए हैं, जितने जिस टिकटॉक पे इतने महीनों से 8 महीनों से कोई व्यूज़ नहीं थे, 8,000-10,000 व्यूज़ थे उसमें, अचानक से इतने सारे व्यूज़ आ गए इनकी वजह से। हाँ हाँ, छोटी इसकी बहन है, उसकी बहन बोलती है हेलो गाइस, खैर खैरियत, मेरा ये मेरा भाई आ गया है, ऐसे बात करती थी। क्यूट है यार, इतनी क्यूट है दोनों के दोनों। चलो गाइस नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद जो है जैसे मैंने बताया अपनी रूटीन करनी है पूरी, इसके साथ हम तो चलो गाइस इसी के साथ हम इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ होंगे, अपने अपनों के साथ होंगे, खुश खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। अबे शेराजी निकल जाओ भाई, निकल जाओ, निकल नहीं रहा यार ये बच्चा मेरे अंदर घुस गया, मेरा पकड़ा रहा हूँ मैं। अब मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ रोजाना उसकी डेली व्लॉगिंग देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल ज्यादा ही ना जबान में आ गया। चलो गाइस इस बार व्लॉग करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे व्लॉग अच्छे लगते होंगे, इसी तरह से सपोर्ट बना के रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक अपना प्यारा साना कमेंट लाजमी छोड़ दिया करो। बाकी कमेंट में कुछ भी से लगा, हाय हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।